दी दावत भी करया करो, अपने उलामा दी मस्जिद इमाम साहब दी, खतीब साहब दी, मुअज्जिन साहब दी कदी कदी अपने घर दावत करया करो। नहीं तो फीक कुकड़ पकाने दी ना पकायो, नहीं तो फीक देसी कुकड़ पकाने दी ना पकावे जे, नहीं तो फीक बकरा पकाने दी। जो घर च सालन होवे ना किसे टाइम बुला के तो तशरीफ लियाओ, लामा साहब, हाफिज साहब, कारी साहब आ तशरीफ लियाओ। साई तवक्कल शाह साहब अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त का चोटी का बली है, अलामा नवीद साहब से बाबा जी जानते हैं अपने वक्त का चोटी का आलिम है, बली है। इन्हें अमीर सन 24 घंटे लंगर चलते रहता, गरीब आ रहे हैं खाना खा रहे हैं लंगर चल रहा है। एक रात अख लगी तो मुस्तफा आ गए ख्वाब च, लजपाल ने फरमाया साई तवक्कल शाह, अर्ज की जी लजपाल, फरमाया रोज रब की दावत करना कभी साड़ी कीती नहीं हो, पता नहीं कड़ी गल तो सुभान लगा तुस रोज रब की दावत की हो कभी साड़ी कीती नहीं। कहते खुदा की कसम अख खुली, मैं बड़े दिन परेशान रहा भी इस ख्वाब का मतलब की है। लजपाल किसे ऐसे काम वास्ते तो कह नहीं सकते जरा ला या नहीं हो। कहते बड़े दिन मैं सोचता रहा, एक रात मैं रो पिया हजूर की बारगाह च, सोना यदा मतलब मैनू दसो। कहते जवाब मिले बारगाह है मुस्तफा चो। मैं जो जवाब सुनिया अगले दिन नवा दस्तरखान लिया, नवे बर्तन खरीद के लिया, नवा राशन खरीद के शहर के जितने उलामा सन, जितने तुलाबा सन, उन्होंने अपने दस्तरखान से रोटी खवाई। मुस्तफा करीम ने फिर खाब चा के फरमाया अज तू साडी दावत की है, अज तू साडी दावत की है। कदी कदी अपने उलामा घर सद के कुछ किन्ने पैसे लग जाएंगे, 300 रुपया, दो साथी होए तो किन्ने पैसे लग जाएंगे, 500 लग जाएगा। लेकिन अगर हजूर इस काम से तेरे तो राजी हो गए तो खुदा की कसम जन्नत पक्की है। एक पुत्र मुस्तफा दे दीन वास्ते दे